अकल को सामने रखो, घास खाते नहीं खाना खाते हम लोग। अगर इतना सब ये उर्सा, ये संदला, ये फूल के जालियां, अगर ये सब सवाब का काम होता तो फिर दो दो तीन तीन लाख रुपए खर्च कर कर जाने वाला क्या हम नबी के रोजे के पास एक चादर लेकर जाने की ताकत नहीं रखता, एक ऊद पत्ती सुलगाने की ख्वाहिश नहीं रखता। अरे कितने हमारे मकासिद में ताला पड़ गया है। ये वली के कबर में ताला डालो खुलता कि नहीं खुलता डाउट रहेगा, वो वली की कबर में ताला डालो खुलता कि नहीं खुलता की डाउट रहेगा। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर शरीयत में ताला डालना जरूरी होता और पैगंबर के रोजे के पास ताले डालते तो हमारे पूरे मकसद खुल जाते थे। लेकिन ताला डालना जायज नहीं है, ताला डालने की इजाजत नहीं है पैगंबर के रोजे के पास। ना कोई बंगड़ी नजर आती है, ना कोई ताला कुफुल नजर आता है, ना सर के रुबीना नजर आते हैं, ना लाल तागा नजर आता है, लाल कपड़ा। एक मजार के पास हैदराबाद में, वो बोलना शायद मैं भूल गया था, लाल कपड़ा लाकर एक लीन काट को लगाकर ही बंगड़ियां देखे, कई को भी बंगड़ियां लगा को ही छोकरी की शादी नहीं होती, उसके वास्ते खबर में बंगड़ियां लाकर लगा दे तो वली के इसकी बेटी को उन्हों रिश्ता ले लगाते नहीं दिखता हजरत। कुफुल डाल लेकर ही कई को भी कुफुल डाले ताकि इसके मकसद पूरे बंद हो गए। कहते खबर में कुफुल डालते कि नहीं कि इन्हें टीवी देखा तो भी खुल जाएंगे, शराब पिया तो भी खुल जाएंगे, नमाजा नहीं पढ़ा तो भी खुल जाएंगे। एक कुफुल खबर के यार वली के मजार के पास डाला तो पूरे मकसदा खुल जाते हैं। जो कुफुला खोलने का अल्लाह ताला हुक्म दिया वो खोलता तो इसके मकसदा खुल जाते थे। कुफुल भी देखे हमें, बंगड़ी भी देखे, रुबिन भी देखे, लाल कपड़ा था। हैदराबाद के एक दोस्त बोले हजरत यहाँ एक चीज दिखा तो आओ हजरत, बोलकर बुला लेकर गए थे। चार पाँच महीने पहले हो गया, लाल कपड़ा बनकर रखे थे। देखिए कहां तक आज का मुसलमान गलत इरादों में पहुंचा है। इन लोगों को अल्लाह ताला कब तौफीक देता, कब समझ में आती बात नहीं मालूम। लाल कपड़ा बनकर तेते तेते ते पीसा घाटी डालकर, ढीली घाटी डालकर बनकर ही सब चीजें देखे तो टाइट का बंगड़ी चुरा लेते हैं कि का कुफल चुरा लेते हैं कि का रुबीना चुरा। ये कपड़ा है कि ढीला डालकर थे लाल कपड़ा। हमारे दोस्त बोले कि हजरत ये लाल कपड़ा की बनकर ही मालूम कि हजरत तुम ना पूछे। हम बोले कि मुझे नहीं मालूम भी लाल कपड़ा, मंजे वलियां के मजारा से ताल्लुक नहीं है, जा तू कुरान पढ़ तू आ जा तू। उन्हों अल्लाह वाले रहे तो हमें देकर भेजे से तोहफे में, उन्हों हमना तोहफा देकर भेजते हैं दुआ के जरिए से। उन्हों अल्लाह वाले नहीं रहे तो कम अज कम हमारे पढ़ने का सवाब तो उन्हें खबर को जाता, दो में से तो ये काम होता। हमें जाना सजदा करना तवाफ करना ये करना वो करना कुछ भी नहीं। यहाँ जाकर देखो गोल फिरती गोल फिरती, इधर जाती हम क्या को लगा दी उधर जाती है। क्या रे मुसीबती है, पत्थर को मट्टी को कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं, गैसो बोसा देती। हरिया डुप्टा पहनिए सर झुका लेकर सो जाती हैं। एक सजदा जिंदगी में खुदा के दरबार में ऐसा करता तो इन्हें गौस का दर्जा पा लेता। एक दर्जा खुदा के दरबार में इतने अकीदे के साथ, जो अकीदे के साथ वलियों के दरबार में करते नहीं वो अकीदों के साथ अगर एक सजदा करते तो बहुत बड़ा वली बन जाता था। लेकिन नहीं, तवाफा गिवाफा क्या क्या किया करते हैं। वो लाल कपड़ा बोलकर था, पूछे मुझे कि लाल कपड़ा कहीं को मालूम क्या हजरत, नहीं भी मुझे मालूम नहीं है। ढीला भी बनकर ही नोट करो हजरत का, हाँ भी ढीला भी बनकर ही सही बात। इतना जरा बड़े गिड़े बनते थे तो क्या तो भी काम आ जाते थे गाड़ी गिड़ी पहुंचने के वास्ते, इतने पीसा ही वो समझ में आई बात है। मालूम क्या हजरत कई कू नहीं भी। ये वो माँ ले ले काकर बनती जिसकी बेटी बालिग नहीं होती। देखो जरा कंपेयर करो, चुपके उच्चू उच्चू बोले करो ना।